दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला केस में सीबीआई की तरफ से दर्ज मुकदमे में जमानत मिल गई है। उन्हें प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के मुकदमे में पहले से ही जमानत मिली हुई है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही केजरीवाल के जेल से बाहर निकलने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। जी हाँ, वो अभी दिल्ली के ही तिहाड़ जेल में बंद है और सुप्रीम कोर्ट के दो जजों जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइया की पीठ ने केजरीवाल की जमानत अर्जी पर मोहर लगा दी है। आपको बता दें कि केजरीवाल को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, वो गिरफ्तारी वैध थी या नहीं इस पर दोनों जजों ने परस्पर विरोधी विचार दिए। वहीं जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि सीबीआई की गिरफ्तारी में कानूनी दृष्टि से कोई खामी नहीं है, यानी गिरफ्तारी पूरी तरह वैध है। वहीं जस्टिस भुइया ने कहा कि सीबीआई ने सिर्फ और सिर्फ इसलिए केजरीवाल को गिरफ्तार किया था क्योंकि उन्हें ईडी केस में जमानत मिलने के बाद जेल से निकलने का मौका नहीं मिले। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की इस पीठ के सामने केजरीवाल की तरफ से दो अर्जियों पर फैसला देना था। एक तो ये कि क्या सीबीआई की गिरफ्तारी वैध थी और क्या केजरीवाल को जमानत मिलनी चाहिए। आइए जानते हैं इन दोनों मामलों पर किस जज ने क्या कहा। और अब ऐसे में सभी के मन में ये सवाल जरूर आ रहे होंगे कि क्या सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी में कानून का उल्लंघन हुआ था, क्या उन्हें यानी अरविंद केजरीवाल को तत्काल रिहा किया जा सकता है और क्या आरोप पत्र दाखिल करना इस प्रकार का है कि उसे केवल ट्रायल कोर्ट जाना होगा। जी हाँ, जांच के उद्देश्य से किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने में कोई बाधा नहीं है जो पहले से ही किसी अन्य मामले में हिरासत में है। वहीं सीबीआई ने अपने आवेदन में उल्लेख किया है कि गिरफ्तारी क्यों आवश्यक थी। आपको बता दें कि क्योंकि न्यायिक आदेश था इसलिए धारा 41(a)(3) का कोई उल्लंघन नहीं हुआ, इसलिए इस बात में कोई वजन नहीं है कि धारा 41(a)(3) का अनुपालन नहीं किया गया। वहीं जब मजिस्ट्रेट ने वारंट जारी किया है तो आईओ यानी जांच अधिकारी को इसके लिए कोई कारण बताने से छूट है। उनका कहना है कि हमने माना है कि अपीलकर्ता की गिरफ्तारी में किसी प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं हुआ है, इसलिए गिरफ्तारी वैध है। और अब जमानत पर बात करें तो विकसित समाज के लिए जमानत को लेकर एक विकसित न्यायशास्त्र जरूरी है और मुकदमे के दौरान अभियुक्तों को लंबे समय तक जेल में रखना उचित नहीं ठहराया जा सकता है। और इस न्यायालय के निर्णयों में ये माना गया है कि जब मुकदमा पटरी से उतर जाता है तो संविधान के अनुच्छेद 21 के मद्देनजर न्यायालय स्वतंत्रता की ओर झुकता है। आपको बता दें कि अगस्त 2022 को FIR दर्ज की गई और 4 आरोप पत्र दाखिल किए गए हैं। वही ट्रायल कोर्ट ने संज्ञान लिया है और 17 अभियुक्तों की जांच की जानी है और कहा जा रहा है कि हाल फिलहाल में ट्रायल पूरा होने की संभावना नहीं है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि केजरीवाल जमानत देने के लिए 3 शर्तों को पूरा करते हैं और इस कारण हम उन्हें जमानत का आदेश देते हैं। तीनों बातों में से पहली बात है कि गिरफ्तारी की आवश्यकता और जरूरत की। सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी से जवाब से ज्यादा सवाल उठते हैं। केजरीवाल से मार्च 2023 में पूछताछ की गई थी, तब सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार करने की जरूरत महसूस नहीं की, लेकिन ईडी द्वारा गिरफ्तारी पर रोक लगने के बाद सीबीआई सक्रिय हो गई और उसने केजरीवाल की हिरासत मांग ली। इस तरह 22 महीने से अधिक समय तक गिरफ्तारी की कोई जरूरत नहीं पड़ी। बता दें कि सीबीआई की ऐसी कार्रवाई गिरफ्तारी के समय पर गंभीर सवाल उठाती है और सीबीआई द्वारा की गई ऐसी गिरफ्तारी केवल ईडी मामले में दी गई जमानत को विफल करने के लिए थी। देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें समय डिजिटल।